नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विनायक मेडिसिन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाई थ्री प्लस कैप्सूल के बारे में। अब बाई थ्री कैप्सूल के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ये जानकारी दे रहा हूँ एक नॉलेज मात्र के लिए है। आप कोई भी मेडिसिन यूज में लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही अपन दवाई को यूज में लेवे। दोस्तों, अब बायोडिट्री कैप्सूल क्यों यूज में लेना चाहिए, क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, कब यूज में लेना चाहिए, किस किस पेशेंट को अपन ले सकते हैं, इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, ये एक बायोडिट्री कैप्सूल हड्डियों और मांसपेशियों की समस्या को दूर करने के लिए इसको लिया जाता है। और बायोडिट्री कैप्सूल हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, गठिया से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, ऑस्टियोमेलिसिया हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी में भी महिलाओं को दिया जाता है, या फ्रैक्चर जिस पेशेंट्स के फ्रैक्चर हो जाता है उसमें भी आप डॉक्टर सब्सक्राइब करते हैं इसके सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, इस कैप्सूल को अपन दिन में एक बार यूज में ले सकते हैं। इस ये बाई थ्री प्लस कैप्सूल ये ऐसा कैप्सूल है, इसमें कैल्शियम की मात्रा को दूर करता है। इसमें मैं आपको बता दूं, ये मेक्रोस फार्मा बनाती हैं, और इसको मैन्युफैक्चरिंग इसको लेने से पहले अपन को देखना चाहिए कि कब का बना हुआ है, कितनी एक्सपायरी है, तो लंबी एक्सपायरी लेनी चाहिए अपन को। और इसकी रेट आती है 273 रुपये। ये एक पत्ता आता है, इसमें 15 कैप्सूल्स आते हैं। इसको डेली को शाम को एक दूध के साथ में लेना चाहिए। दोस्तों, फ्रैक्चर हो जाते हैं ना, उस फ्रैक्चर होने वाले पेशेंट को भी अब डॉक्टर इसको डेली का एक कैप्सूल यूज में लेने की सलाह देते हैं। और इस कैप्सूल को थोड़ा लंबे समय तक लेना चाहिए ताकि फ्रैक्चर होने वाले पेशेंटों की हड्डियां मजबूत हो जाए। डॉक्टर इसको 3 से 6 महीने तक यूज में लेने की सलाह देते हैं। दूसरी बात दोस्तों, प्रेगनेंसी में भी डॉक्टर इसको डेली का एक कैप्सूल लेने के लिए सलाह देते हैं। इसमें महिलाओं की जैसे डिलीवरी के टाइम पे कम से कम 7-8 महीने इस कैप्सूल को खिलाया जाता है। ये इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती है और प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। दोस्तों, इसमें विटामिन्स और इसमें जो कंटेंट आते हैं उसमें आता है कैल्शिटोल 2.5 मिलीग्राम में आता है, और ये आता है कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा इसमें 200 mg होती है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम और किस किस चीज़ में आता है। दोस्तों, अपन को रेगुलर दूध पीना चाहिए, डेली का 1 गिलास अपन को दूध में लेना चाहिए ताकि हमें कैल्शियम की कमी नहीं हो। थोड़ा सा पनीर भी खाना चाहिए। अब कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिससे अंडे भी खा सकते हैं, उसमें भी कैल्शियम की मात्रा भरपूर मात्रा में आती है, लेकिन कई पेशेंट इसको यूज में नहीं लेते तो वो नहीं ले। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं अपन को क्या लेना चाहिए। मैं बता दूं कि इसमें कैल्शियम कैप्सूल के बारे में बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से यूज में ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ब्रांडेड कंपनी का बनाया हुआ है। दोस्तों, अपन बात करते हैं इसकी साइड इफेक्ट्स के बारे में। अब इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे वैसे तो इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादातर नहीं होते हैं, लेकिन कई कई पेशेंटों में इसको चक्कर आने लग जाते हैं, सिर दर्द होता है, पेट में दर्द हो जाता है, इस वजह से वोमिटिंग की भी समस्या हो सकती है। लेकिन अधिकतर पेशेंटों में ऐसी समस्या नहीं होती है, कई कई एकाध पेशेंटों में ये समस्या हो सकती है। दोस्तों, ये फ्रैक्चर वाले पेशेंटों को इस कैप्सूल को लंबे समय तक कम से कम 3 से 6 महीने तक जरूर यूज में लेना चाहिए ताकि अपनी हड्डियाँ एकदम मजबूत हो जाए। कहीं कई कई बार देखते अपन थोड़े से भी नीचे से गिरने से भी अपन फ्रैक्चर हो जाते हैं क्योंकि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, इस वजह से वे फ्रैक्चर जल्दी हो जाते हैं। और ये इस कैप्सूल को लेने के बाद में आपको ऐसी समस्या नहीं होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।